छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किंग मेकर किंग से ज्यादा अहम होने जा रहा है। लेकिन हम आपको इन किंग मेकर्स के बारे में बताएं, इससे पहले जान लीजिए कि किंग बनने की संभावना किसकी है। कौन बनेगा सीएम? छत्तीसगढ़ में इस सवाल को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमेशा से कांटे की टक्कर दो पार्टियों के बीच ही रही है, बीजेपी और कांग्रेस। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीटें मिली और रमन सिंह राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। यहाँ निर्वाचित शब्द पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस के अजीत जोगी चुनाव में जीत कर नहीं आए थे। ऐसा क्यों हुआ बताती हूँ। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ को नए राज्य का दर्जा मिला था और 1998 में हुए एमपी चुनाव के हिसाब से विधानसभा का गठन किया गया था। उस चुनाव में कांग्रेस के पास ज्यादा विधायक उसी इलाके से थे जिसे मध्य प्रदेश से अलग कर अलग नया राज्य यानी छत्तीसगढ़ बनाया गया था। जाहिर है पहली सरकार कांग्रेस की ही बनी और मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने, जिनकी सरकार 2003 तक सत्ता में रही। 2003 यानी असली परीक्षा। कांग्रेस के लिए असली परेशानी 2003 में शुरू हुई। कांग्रेस ने बीजेपी के 50 सीटों के मुकाबले 37 सीटें जीती थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नंबर में बहुत बड़ी गिरावट है तो एक बार फिर से सोचें, क्योंकि भले ही सीटों में अंतर 13 का था लेकिन दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर में सिर्फ 2.55% का फर्क था। 2008 में यही कहानी फिर से दोहराई गई। कांग्रेस को 38 सीटें मिली, बीजेपी 50 पर ही ठहरी रही और वोट शेयर में तो अंतर पिछली बार से और ज्यादा यानी 2.55% से घटकर 1.7% का हो गया। फिर आता है साल 2013 का चुनाव। साल 2013 में कांग्रेस ने 39 सीटें जीती, बीजेपी 49 सीटों के साथ वापस आई। इस बार वोट शेयर का अंतर और भी घटा और ये घटकर 0.75% पर पहुंच गया। अब मिलिए किंग मेकर से। यहां से शुरू होती है किंग मेकर्स की कहानी। कांग्रेस से विद्रोह करने वाले अजीत जोगी और बीएसपी चीफ मायावती। एक मजबूत ट्राइबल लीडर जोगी ने 2016 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाई। अगर कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर नहीं बन पाई तो मायावती ने इस बड़ी पुरानी पार्टी का दर्द और बढ़ाने के लिए उसका साथ छोड़ दिया और जोगी से हाथ मिला लिया। अब सुनिए कि जोगी और मायावती क्यों मायने रखते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 29 विधानसभा सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है। 2013 के चुनाव में इनमें से 18 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी जबकि 11 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। याद रखें, ट्राइबल पावर हाउस जोगी उस चुनाव में कांग्रेस के ही साथ थे लेकिन अब वो इस पार्टी के आदिवासी वोटों में सेंध लगाने को तैयार है। बात करते हैं एससी सीटों की। 10 एससी सीटों में से बीजेपी ने 2008 में 5 सीटें जीती और 2013 में 9 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन अब जोगी के साथ मायावती की गुपचुप काम करने की रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन जरा ठहरिए, जोगी मायावती का गठबंधन सीटें तो जीत सकता है लेकिन सरकार बनाने के लिए ये काफी नहीं होगा। तो साफ तौर पर वो ये खेल जीतने के लिए तो नहीं खेल रहे हैं। वो ये जरूर तय करेंगे कि किसे जिताना है।